नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेलन कॉलेज चक्करधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग सर विलियम पेटी के प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर विलियम पेटी जो एक प्रमुख अंग्रेज अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक थे। विलियम पेटी को राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी पद्धति का संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पद्धति को अपनाया है। सांख्यिकी पद्धति के क्षेत्र में उन्होंने जो आंकड़ों का प्रयोग किया है उसको उन्होंने रोजगार के संदर्भ में इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ सांख्यिकी के औजार के रूप में उन्होंने औसत यानी कि एवरेज का प्रयोग किया है। सर विलियम पेटी द्वारा जो अर्थशास्त्र को कुछ प्रमुख देन प्राप्त हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। ए स्टैटिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन, ये उनकी पुस्तक जो 1662 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने पूंजी को बहुत महत्व दिया, जनसंख्या, लगान, मूल्य, मुद्रा तथा उत्पादन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने अपना विचार भी व्यक्त किया है। उनकी जो अगली पुस्तक है अ ट्रैक्ट कंसर्निंग मनी, जो 1682 में प्रकाशित हुई। और उसके बाद नेक्स्ट जो उनकी जो किताब है वो है डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल आर्थमेटिक, जो 1660 में प्रकाशित हुई थी। पेटी के जब आर्थिक विचारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि उनके जो विचार हैं वो प्रमुख रूप से उनके समय जो भी आर्थिक समस्याएं उपस्थित थी तो उन आर्थिक समस्याओं से संबंधित उन्होंने अपने विचार दिए थे। तो विलियम पेटी के प्रमुख विचारों को हम लोग कुछ शीर्षकों के अंतर्गत जानना चाहेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि विलियम पेटी ने कर से संबंधित क्या विचार दिए थे। विलियम पेटी का कहना था कि कर यानी कि टैक्स जो होता है वो अनुपातिक होना चाहिए और न्यायसंगत होना चाहिए। टैक्स का बोझ समाज के किसी वर्ग पर एक्स्ट्रा नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से होना चाहिए कि सभी लोगों पर टैक्स का समान बोझ पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जब टैक्स के माध्यम से पैसों को कलेक्ट करती है तो उसे इस ढंग से खर्च करना चाहिए ताकि उसके द्वारा देश के उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिले। उन्होंने टैक्स से प्राप्त की गई रकम को बेकार ही अननेसेसरी कार्यों में खर्च करने से मना किया था। आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जो मजदूरी से संबंधित जो विचार दिए थे वो क्या थे। विलियम पेटी ने मजदूरी से संबंधित मजदूरी का मानक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि मजदूरी जो है वो जीवन निर्वाह के बराबर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी या इतना वेतन जरूर मिलना चाहिए कि उनका जीवन निर्वाह संभव हो सके। उनका ये मानना था कि अगर मजदूरों को निर्वाह मजदूरी से अधिक मजदूरी दी जाती है तो नतीजा क्या होगा, वे लोग काम के बदले में अधिक अवकाश लेंगे और काम में आना नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब आज हम लोग मजदूरी की पूर्ति की रेखा के बारे में बात करते हैं और हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक समय के बाद पूर्ति की रेखा जो है वो पीछे की ओर मुड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं यह विचारधारा हमें विलियम पेटी के विचारों में भी मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी यही संकेत दिया था कि अगर मजदूरों को निर्वाह मजदूरी से अधिक मजदूरी दी जाती है तो इस स्थिति में वे लोग घर पर रहना पसंद करेंगे और काम के बदले आराम करना वो लोग अधिक पसंद करेंगे। धन से संबंधित जो विलियम पेटी के विचार थे तो उन्होंने कहा था कि धन के वेग को उन्होंने लोगों के कार्य करने की अवधि के रूप में प्रस्तुत किया था कि लोग कितनी अवधि में काम करते हैं उतना अधिक वो लोग धन को एकत्र कर सकते हैं। विलियम पेटी ने अपने आर्थिक विश्लेषण में राष्ट्रीय आय के महत्व को भी प्रकाशित किया था। उनका ये मानना था कि एक देश का राष्ट्र आय जितना होता है उसकी राष्ट्र व्यय भी उतनी ही होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्र आय और राष्ट्र व्यय में समानता की वकालत की थी।
इसे उन्होंने एक समीकरण के रूप में भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये समीकरण दिया था कि y इक्वल्स टू c प्लस i, जहां उन्होंने i को y से इंडिकेट किया था और c यानी कि उपभोग और i दैट मीन्स निवेश जो होता है वो व्यय पक्ष से संबंधित होता था। तो इस तरह उनके जो धन से संबंधित विचार थे उसको भी हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि जनसंख्या से संबंधित जो उनके विचार था वो क्या था। विलियम पेट्टी ने जनसंख्या से संबंधित जो अपने विचार दिए थे उसमें उनका मानना था कि जनसंख्या अधिक होना चाहिए, ये अच्छा है। उनका ये मानना था कि जिस राष्ट्र की जितनी अधिक जनसंख्या होती है वह राष्ट्र उतना अधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में हमेशा रहते थे। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्याज से संबंधित जो विलियम पेट्टी के विचार थे वो क्या थे। वे भी ब्याज लेने के पक्ष में थे, वो ब्याज के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि अगर पूंजी हमें ज़रूरत है तो वो ब्याज से संबंधित जरूर होगा, तो ब्याज लेना कोई गलत चीज़ नहीं था, ये उनका विचार था। मुद्रा के संबंध में उनके क्या विचार थे। मुद्रा को विलियम पेट्टी ने उद्योग एवं व्यापार को सुविधा प्रदान करने वाले एक साधन के रूप में लिया था। उनका मानना था कि मुद्रा का रोल इतना ही है कि वह किसी भी देश के उद्योग एवं व्यापार में साधन के रूप में उसे इजी बनाए, उद्योग और व्यापार से संबंधित कार्यों को वो सुलभ बनाए। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि राज्य मुद्रा के संबंध में राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में विलियम पेट्टी का क्या कहना था। तो विलियम पेट्टी का कहना था कि एक राज्य का कर्तव्य होता है कि वह मुद्रा के मूल्य को किस तरह से वो स्थिर रखे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विलियम पेट्टी ने अलग अलग चीज़ों से संबंधित अपने कौन कौन से आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। विलियम पेट्टी द्वारा अर्थशास्त्र को जितनी भी किताबें पुस्तकें देन के रूप में प्रस्तुत हुई हैं उनमें से उनकी कुछ किताबों में कुछ कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो किताब है, खासकर मैं बात करूंगी और स्टैटिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन इस किताब की, तो ये किताब जो है, इस किताब की जो बाहरी संरचना है वो बहुत ही क्रमबद्ध है और उसका जो आंतरिक विश्लेषण है उसमें भी बहुत संगति पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि विलियम पेट्टी ने एक वैज्ञानिक क्रमबद्धता के साथ, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनी पुस्तक को उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार हमारे जो भी अर्थशास्त्री लोग हैं जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि विलियम पेट्टी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने वाले अर्थशास्त्रियों में से एक थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सर विलियम पेट्टी के प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में संक्षिप्त से चर्चा की। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।